नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लास्टीज देख रहे हैं। बिहार में एनडीए की अब सरकार है, लेकिन अब एनडीए के भीतर भी सब कुछ ठीक ठाक करना होगा। आने वाले समय में हम ऐसी परिस्थितियां देखेंगे, ऐसी बातें आएंगी, ऐसे बयान आएंगे जिसे हम आपको सुनाएंगे और आपको लगेगा कि हाँ, एनडीए में भी अभी सब कुछ ठीक ठाक करने की ज़रूरत है। आज हम सीधा सीधी बात करते हैं चिराग पासवान की, जो कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जमुई से सांसद हैं। नीतीश कुमार जब से एनडीए में वापस लौट के गए हैं, चिराग पासवान के स्वर भी थोड़े बदले हैं। चिराग पासवान ने तो पैर छूकर प्रणाम भी किया था राजभवन में, जब नीतीश कुमार नौवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने गए थे। खबर आपको बता दें, खबर यह है कि अब पशुपति पारस वाली लोजपा ने, यानी कि राष्ट्रीय लोजपा ने अपने संगठन का विस्तार किया है। पशुपति पारस तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ही, लेकिन अब पशुपति पारस ने सूरजभान सिंह को संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है। जो संसदीय बोर्ड है राष्ट्रीय लोजपा की, उसका अध्यक्ष अब बनाया है सूरजभान सिंह। तो संसदीय बोर्ड में पहले अध्यक्ष कौन थी? पहले अध्यक्ष थी वीना सिंह। वीना सिंह कौन? वैशाली से सांसद हैं, उस वक्त लोजपा ही थी। 2019 की जब हम बात करें, जब वीना सिंह जीत के आई थी, हालांकि बाद में लोजपा दो खंडों में बट गई, एक तरफ चिराग पासवान, दूसरी तरफ उनके पार्टी के तमाम इतर सांसद हैं, पशुपति पारस का जो गुट है। अब देखिए, सूरजभान सिंह को संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। वीना सिंह आपको पता है पहले ही चिराग पासवान के साथ जाती हुई दिख रही हैं। वीना सिंह दिनेश सिंह की धर्मपत्नी है। दिनेश सिंह जेडीयू के एमएलसी हैं, मुजफ्फरपुर स्थानीय निकाय कोटे से जीत कर आए हैं और जाति में राजपूत हैं। अब वीना सिंह को हटाकर सूरजभान सिंह को लाया गया है संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर। सूरजभान सिंह जाति में भूमियार दबंग नेता हैं और एक अलग पहचान रही है। सूरजभान सिंह और रामविलास पासवान जो दुनिया में नहीं रहे, उनके कितने बेहतरीन रिश्ते थे उस वक्त, ये किसी से बात छुपी हुई भी नहीं है। खैर, अब रिश्ते वो नहीं है चिराग पासवान के साथ, ये बात भी किसी से छुपी नहीं है। सूरजभान सिंह को जब पशुपति पारस संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना रहे थे, उनके दिमाग में ये विचार जरूर आया होगा। देखिए, पशुपति पारस के अब हित की बात हो रही है, पशुपति पारस के लिए अब बड़ी चुनौती होने जा रही है, क्योंकि एनडीए में उन्हें बने भी रहना है। चिराग पासवान, मैंने कहा, नीतीश कुमार से रिश्ते सुधर रहे हैं, कुछ हद तक ठीक भी हैं, पहले से तो बिल्कुल नहीं है। चिराग पासवान तो साफ साफ ये मूड में है कि चलिए ठीक है, बीजेपी ने नीतीश कुमार को वापस एक्सेप्ट कर लिया, नीतीश कुमार को वापस लेकर आए। नीतीश कुमार स्वीकार हैं, चाचा तो खैर किसी हाल में स्वीकार नहीं है एनडीए के अंदर। तो पशुपति पारस का गुट और चिराग पासवान का गुट, कौन किस पर हावी पड़ेगा, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। वहीं दूसरी ओर, अब पशुपति पारस के लिए चुनौती क्या है? देखिए, जब वीना सिंह को हटा दिया, वीना सिंह की जब हम बात कर रहे हैं, वीना सिंह को क्यों हटाया गया? वीना सिंह जब पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया था पिछले साल नवंबर के महीने में, तो पशुपति पारस ने अपनी पार्टी का स्थापना दिवस हाजीपुर में मनाया था, चिराग पासवान ने पटना के बापू सभागार में मनाया था उसी दिन। वीना सिंह संसदीय बोर्ड की उस वक्त अध्यक्ष थी, हाजीपुर ना जाकर, पशुपति पारस के कार्यक्रम में ना जाकर वो पटना के बापू सभागार में चिराग पासवान के कार्यक्रम में शामिल हुई थी। यानी कि चिराग पासवान के कार्यक्रम को ही उन्होंने असली लोजपा का कार्यक्रम माना। इसके बाद मुजफ्फरपुर में भी जब चिराग पासवान की सभा थी, वे वहाँ भी शामिल हुई थी। यही नहीं, लाइव स्ट्रीम पर आप वीना सिंह का वो बयान भी जाकर सुन सकते हैं, पिछले महीने का ही है। वीना सिंह ने साफ साफ कहा था कि उनसे गलती हो गई, चिराग पासवान ही उनके नेता हैं और वोट तो चिराग पासवान के पास ही हैं। ये बातें वीना सिंह ने मानी भी थी। तो अब ऐसे में वीना सिंह की छुट्टी होनी तो तय थी पशुपति पारस की गुट से, राष्ट्रीय लोजपा की ओर से। अब लोजपा रामविलास की ओर वे हैं, क्योंकि चिराग पासवान भी काफ़ी मजबूत हैं। उन्होंने एक बार कहा भी था कि वैशाली की सीट तो किसी भी हाल में लोजपा रामविलास ही लड़ेगी, यानी कि चिराग पासवान की पार्टी लड़ेगी, ये दावे भी किए थे वैशाली में जाकर। खैर, वहाँ किसे लड़ाना है, कौन लड़ेंगे आने वाले समय में, ये तो खैर वक्त बताएगा। अब पशुपति पारस के लिए चुनौती क्या है? पशुपति पारस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है, एक तो वो खुद कह रहे हैं कि हाजीपुर सीट पर लड़ेंगे, जहां चिराग पासवान पहले से ही दावा ठोक चुके हैं। चिराग पासवान को ना चाचा मंजूर है, ना चाचा को एनडीए में सीट मिले ये भी मंजूर है, और खास करके हाजीपुर सीट जहां पर चिराग पासवान ने डिटो पावर अपना लगा दिया है। तो चिराग पासवान आगे क्या फैसला लेंगे, देखना होगा। हाजीपुर सीट पशुपति पारस को पहले खुद के लिए चाहिए होगी, हालांकि चिराग पासवान की भी डिमांड लंबी है, उस पर बात करेंगे। दूसरी सीट उन्हें चाहिए होगी समस्तीपुर भतीजे के लिए, और एनडीए में रहकर अब उन्हें तीसरी सीट भी चाहिए होगी, क्योंकि उनके लिए चुनौती यह है, जब सूरजभान सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है संसदीय बोर्ड का, तो उनके भाई चंदन सिंह, जो कि नवादा से सांसद हैं, कुछ दिन पहले ही उनका इंटरव्यू लाइव स्ट्रीम पर आप जाकर देख सकते हैं, उन्होंने बताया कि नवादा में विगत 5 सालों में उन्हें कितना काम किया है। जब वे कैंसर के इलाज से जूझ रहे थे कोरोना के काल में, उस वक्त भी उन्होंने नवादा के लिए कितना काम किया, वो सभी बातें उन्होंने उस इंटरव्यू में बताई हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो क्या सूरजभान सिंह चाहेंगे कि वो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और उनके ही भाई का टिकट नवादा से कंफर्म ना हो? अब चिराग पासवान की डिमांड सुनिए। चिराग पासवान तो खैर 2019 के फॉर्मूले पर ही बात कर रहे हैं, उन्हें 6 सीट चाहिए, 6+1 का फॉर्मूला,
जो रामविलास पासवान को दिया गया था, 6 सीट लोकसभा की, 1 सीट राज्यसभा की। क्या एनडीए के भीतर फिलहाल ये स्थितियां हैं कि चिराग पासवान को 6 सीटें मिलेंगी, 4 सीटें मिलेंगी, 3 सीटें मिलेंगी, क्या पाना मुश्किल है? क्या चिराग पासवान मानेंगे? और अगर 4 सीटों पर भी मानते हैं, ठीक है, अगर मानते हैं कि आगे आने वाले समय में सीट शेयरिंग पर काफ़ी मथम पेच होना है, पेच यहाँ पर अभी पूरा खुला नहीं है, पेच यहाँ पर बीच में अटक गया है, तो चिराग पासवान और पशुपति पारस में से एनडीए में से किसे चुनना होगा? अब देखिए, बीजेपी ने भी बड़ी तैयारी कर ली है, बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है, राष्ट्रीय अधिवेशन होना है 17-18 तारीख को, इसी महीने में, फरवरी महीने में दिल्ली में। तो सभी विधायकों को, सांसदों को दिल्ली में बुलाया गया है, बड़ा कार्यक्रम होना है, बीजेपी का बहुत बड़ा कार्यक्रम होना है देश की राजधानी दिल्ली में, जहां लोग जाने के लिए तरस रहे हैं, जहां लोग चाह रहे हैं कि जो सांसद हैं वो सांसद बने रहे, यानी कि दिल्ली का जो दरवाज़ा है उनके लिए बंद ना हो। अब वहां नरेंद्र मोदी क्या कहेंगे वो देखना होगा, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है एनडीए में बिहार की, अगर हम बात करें 40 सीटों की बात करें, तो चिराग पासवान और पशुपति पारस के लिए। क्योंकि देखिए, अब इसके अलावा अगर हम चिराग पासवान की बात कर रहे हैं तो किसी भी शर्त पे, पहली बात तो वो पशुपति पारस को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अगर पशुपति पारस रहते हैं तो पशुपति पारस को अब कम से कम 3 सीटें चाहिए उनके खुद के लिए, भतीजे के लिए, प्रिंस राज के लिए, समस्तीपुर की बात करें। और अब सूरजभान सिंह, अगर चंदन सिंह को टिकट नहीं दिला पाए पशुपति पारस, आपको लगता है सूरजभान सिंह किसी भी हाल में पशुपति पारस के साथ रहेंगे? सूरजभान सिंह खुद अपने बड़े नेता हैं, 2014 में उनकी धर्मपत्नी वीणा देवी मुंगेर से जीती थी, किसे हराकर? ललन सिंह को हराकर, वो दिन भी आपको याद होगा। तो खैर, सूरजभान सिंह बड़े नेता हैं और अब उन्हें जब ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है, वीणा सिंह की छुट्टी कर दी गई है एक तरह से माने तो, वीणा सिंह क्या चिराग पासवान जो कि उस तरफ लोजपा में, लोजपा रामविलास की ओर उधर जाती हैं, अब आगे देखना होगा। क्योंकि सीट सेयरिंग की जब बात हो रही, नीतीश कुमार पर भी सबकी निगाहें हैं, नीतीश कुमार क्या चाहते हैं? अभी राज्यसभा की 6 सीटें खाली हुई हैं, देखना ये होगा कि इसमें भी नीतीश कुमार अपनी पार्टी की ओर से किसे भेजते हैं। बहुत सारे नाम हैं, संजय झा के नाम का भी जिक्र होता है, खैर देखना होगा। वशिष्ठ नारायण सिंह की सीट खाली हो रही है, तो वैसे में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा क्या? बीजेपी बड़ी पार्टी है, ज़्यादा सीटों पर बीजेपी ही लड़ना चाहेगी। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा है, उपेंद्र कुशवाहा का भी एक बड़ा कार्यक्रम होना है सीतामढ़ी में। उपेंद्र कुशवाहा हालांकि काराकाट लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन क्या सीतामढ़ी से भी कोशिशें होंगी, सेकंड प्रायोरिटी पर सीतामढ़ी सीट होगी, ये भी देखना होगा। इसके अलावा जितना मांझी हैं, जितना मांझी अभी से ही इतने गुस्से में हैं, उन्हें 2-2 मंत्री चाहिए क्योंकि कैबिनेट विस्तार होने वाला है 10 दिन में, जितना मांझी भी गुस्से में है। अब ऐसे में नीतीश कुमार जिन्हें लेकर आए हैं, सीधी बात नरेंद्र मोदी और अमित शाह से हुई है, तो इन सभी चीज़ों के बीच में, इन सभी गुत्थम गुत्थी के बीच में देखना होगा कि ये गुत्थी सुलझती कैसी है, इन सभी उलझनों को सुलझा कैसे पाती है एनडीए, क्योंकि एनडीए के लिए चुनौती होगी। वीणा सिंह का तारीफ करना, क्योंकि चिराग पासवान को बल मिलना, वीणा सिंह का तारीफ करने का अर्थ क्या है? चिराग पासवान को बल मिलना, फिर से चिराग पासवान ने उस लोजपा में सेंधमारी कर दी जो, जिस लोजपा ने उन्हें पूरी तरह ठुकरा दिया था और एक नई लोजपा बनी थी, यानी कि लोजपा रामविलास पासवान वाली पार्टी जो है वो टूट गई थी। तो ऐसे में चिराग पासवान के लिए तो सबसे बड़ी चुनौती है ही, उन्हें हाजीपुर भी चाहिए, उन्हें जमुई भी चाहिए, उन्हें कई सारी सीटें चाहिए, जहानाबाद की भी चर्चा होती है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अब पशुपति पारस के लिए है। सूरजभान सिंह को अगर साथ रखना है, सूरजभान सिंह नाम परिचय के मोहताज नहीं है, नाम भी बोलता है, उनका काम भी बोलता है, उनके समर्थक तो खैर ज़्यादा ही बोलते हैं, तो वो अलग बात है। तो सूरजभान सिंह को रोक के रखना है, जिन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, तो 3 सीटें तो चाहिए होंगी। क्या पशुपति पारस को सच में 3 सीट मिलेगी? और 3 सीट अगर एनडीए में उन्हें चाहिए, मतलब जद्दोजहद करके कैसे भी उन्हें 3 सीट चाहिए खुद को सर्वाइव कराने के लिए, आगे बढ़ने के लिए नहीं, सर्वाइव करने के लिए कम से कम 3 सीटें चाहिए। अगर 3 सीटें वो ले लेते हैं तो क्या चिराग पासवान 6+1 से कम पर मानेंगे? तो फिर एनडीए में सीट बची कितनी? फिर जेडीयू का क्या होगा? तो आगे काफ़ी सारी चुनौतियां हैं, आप लाइव से बने रहे, देखना ये होगा। राष्ट्रीय लोजपा ने जो फैसला लिया है, इसके बाद पशुपति पारस की मुश्किलें और अभी बढ़ेंगी और चिराग पासवान से सामना होना है, तो चिराग पासवान और चाचा पारस के बीच में जो अभी कन्फ्यूज़न है, जो अभी कन्फ्यूज़न क्या है, जो अभी लड़ाई है, इस लड़ाई को क्या एनडीए में बड़े नेता जो हैं अमित शाह, जेपी नड्डा, वो दूर कर पाएंगे, देखना होगा। और फिर बाकी सहयोगी दलों की जो डिमांड्स हैं, इसे देखते हुए क्या उन्हें पूरा कर पाएंगे, वो ये भी देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।